आपको पहले बहुत बहुत इस उर्स की मुबारक हो, कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिज़वी साहब मेरे रोल मॉडल, उसके बाद अक्सर मेरे मुजाहिदीन हमारे गाजी साहब, माशाल्लाह सारी हस्तियां बैठी हैं, दूसरे जितने मैं क्या कहूँ, माशाल्लाह मिलाद तो आपको पता ही है कि मिलाद है क्या। जब मैं रस्ते से आ रहा था, कहते हैं, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा मिलाद की महफिल में और ईद की महफिल में। कहते हैं कौन सी ईद, तुम तो दो ईदें मनाते हो। मैंने कहा हम तो तीसरी ईद भी मनाते हैं। और कहते हैं तीसरी ईद तो नहीं होती। मैंने कहा हमारी जब तक तीसरी ना हो दूसरी भी कबूल नहीं होती, हम तो तीसरी भी मनाएंगे। और हमें ये सब चीजें किसने सिखाई, बाबा जी ने सिखाई। वो क्या बाबा जी फरमाते थे, रसूलुल्लाह की तारीफ में आला हज़रत फरमाते थे ना, लब फूल ज़कन फूल बदन फूल चमन फूल सरता बकदम तने सुल्तान ज़बन फूल वल्लाह मिल जाए मेरे गुल का पसीना। आज का मौलवी कहते हैं बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखे यूं यूं कि हम जो है सब कुछ कर लेते हैं। मैंने कहा आला हज़रत ने फरमाया तुझसे तो तिनका भी नहीं टूट सकता, तिनका भी हमारे हिलाए नहीं हिलता, लब फूल ज़कन फूल बदन फूल चमन फूल। फिर वो पंजाबी शायर ने क्या कहा, चमके मथे ते लाठ नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, गुस्ताख अखिया किथे जा लड़िया। और फिर एक आशिक ने देखा, जब यमनी आशिक ने रसूलुल्लाह को देखा, फरमाता है कि मिलाद को कौन आते हैं। मैंने कहा मिलाद को आशिक नहीं आते बल्कि रसूलुल्लाह खुद आते हैं। तो फिर उसने शायर ने ये खूब कहा, एक माहे मदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें सुना के सखन बता के पवन फूंक गया मेरा तन मन धन। और फिर दुनिया ने क्या कहा, फुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, दुनिया गले में फांसी लटका कर लटक गई। और जिसने रसूलुल्लाह को देखा तो उसने सब कुछ पा लिया। इससे बढ़कर मैं क्या कहूँ, सब कुछ तो फरमा चुके हैं कायदे मिल्लत इस्लामिया। बस ये छोटी सी हाजिरी से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज भी मेरे बाबा जी दी।